प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी का संस्कृत खंड पाठ 4 हिमालय है। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं, पूरे चैप्टर में एक ही संदर्भ लागू होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के हिमालय नामक शीर्षक से अवतरित है। तो पहला अनुच्छेद देखें, भारत देश से सुविस्तृत्याम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नामना विधीयते जनैः। भारत देश से सुविस्तृत्याम, भारत देश के विशाल, विस्तृत मानी फैला हुआ, उत्तरस्याम दिशि स्थितो, उत्तर दिशा में स्थित गिरिः पर्वत, पर्वतराजो हिमालय इति पर्वतराज हिमालय इस प्रकार नामना विधेयते जनैः, नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। भारत देश से सुविस्तृत्याम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नामना विधेयते जनैः। भारत देश के विशाल या दूर तक फैले हुए उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय ऐसा लोगों के द्वारा जाना जाता है या इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। अस्मो चान शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान जयंती। अस्मो चान, इसकी ऊंची ऊंची शिखराणि माने चोटियां, जगतः माने संसार के, सर्वानपि पर्वतान सभी पर्वतों को, जयंती माने जीत लेती हैं। इसकी ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीत लेती हैं। अतएव लोकाः एनम पर्वतराजम कथयन्ति। अतएव, अतः धन एव बराबर अतएव, इसलिए लोका माने लोग, एनम माने इसको, पर्वतराजम कथयन्ति पर्वतराज कहते हैं, इसलिए लोग इसे जो है पर्वतराज कहते हैं, या ऐसा भी कह दें लोक माने संसार भी होता है, इसलिए जो है संसार जो है इस पर्वत को पर्वतराज के नाम से जानता है। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य धन उन्नतानि, इसकी ऊंची शिखराणि मानी चोटियां सदैव हिमैः हमेशा बर्फ से, आच्छादितानि तिष्ठन्ति ढकी रहती हैं, इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अत एवास्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यापि च नाम सुप्रसिद्धम्। अतः इसलिए, एव माने ही, इसलिए ही, अस्य माने इसका, हिमालय इति हिमालय इस प्रकार, हिमगिरि इत्यापि हिमगिरि आदि, क्या नाम प्रसिद्धम, नाम प्रसिद्ध है, इसलिए जो है इस पर्वत का नाम हिमालय तथा हिमगिरि इस प्रकार से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीन अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीन आदि, यानी एवरेस्ट गौरी शंकर आदि, अस्य शिखराणि इसकी चोटियां जगति उन्नतमानि संसार में सबसे ऊंची संतमानि हैं। एवरेस्ट गौरी शंकर आदि इस की जो है चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधिकायाम त्रिविष्ट नेपाल भूटान देशाः पूर्ण सत्ता संपन्नाः कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। अस्य अधित्यकायाम, अस्य माने इसकी, अधित्यका माने इसके ऊपरी भाग में, यानी समतल भूमि पर, त्रिविष्ट तिब्बत
नेपाल नेपाल, भूटान का मतलब भूटान, देश देशा मनी देश, और पूर्ण सत्ता संपन्ना पूर्ण सत्ता से संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि, पृथ्वीया का मतलब आदि भारतीय प्रदेशा संति भारतीय प्रदेश हैं। इसके ऊपरी भाग में उपत्यका माने घाटी होता है और अधित्तका का मतलब जो ऊपरी चौरस भाग होता है वो अधित्तका कहलाता है। तो इसके ऊपरी चौरस समतल भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता से संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत से पर्वतीयो भागोपि हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति। उत्तर भारत से, उत्तर भारत का पर्वतीय भागो अपि, पर्वतीय भाग भी हिमालय से प्रांतरे हिमालय की गोद में ही तिष्ठति माने मौजूद है या विद्यमान है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय की गोद में मौजूद है या विद्यमान है। ये जो है पहला अनुच्छेद हो गया। अब दूसरे अनुच्छेद का जो हिंदी अनुवाद देखें। अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सीम स्थितः तत् प्रहरीयु शत्रुभ्यः सततम् रक्षेत। अयम पर्वतराजः, यह पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीमनी भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित माने स्थित, तत् प्रहरीयु प्रहरी की भांति, यु माने ही, शत्रुभ्यः शत्रुओं से, सततम् रक्षेत हमेशा रक्षा करता है। यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी की भांति जो है, रक्षक की भांति शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? हमारे देश की यानी भारतवर्ष की रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या शतद्री विपाशा यमुना सरयू गांडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतया नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं सुखी तीर्थोदकैः न केवलं पुरन्ति अपितु इमां सस्य श्यामलम् अपि कुर्वन्ति। देखिए पैराग्राफ बहुत लंबा है। हिमालयात धन एव बराबर हिमालयादेव, हिमालयात हिमालय से एव मने ही, समुद्गम्य मने निकल करके, हिमालय से ही निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या का मतलब ब्रह्मपुत्र जैसी महानद्या महानदी, शतद्री यानी सतलुज, विपाशा यमुना सरयू गांडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियाँ, नद्यश माने नदियाँ, समस्त समस्ताम अपि भारत उत्तर भारत भुवं समस्त उत्तरी भारत की भूमि को सुखी तीर्थोदकैः अपने पवित्र जल से ना केवलम पुनन्ति ना केवल पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमाम सस्य श्यामलम अपि कुर्वन्ति इसे हरा भरा भी करती हैं। फिर से देख लें अयम पर्वत राजा से, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। हिमालय से ही निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र इस प्रकार महानदी महानदी सतलुज विपाशा यमुना सरयू गांडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से ना केवल पवित्र करती हैं बल्कि
इसे हरा भरा भी करती, तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब तीसरा देख लें अनुच्छेद, अस्य उपत्यकाश सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। अस्य उपत्यकाश, इसकी उपत्यका माने घाटी होता है, अस्य माने इसकी, उपत्यका माने घाटी, इसकी घाटी में सुदीर्घा बड़े बड़े वनराजयो विराजन्ते, वनराज विराजमान हैं। इसकी घाटी में बहुत बड़े बड़े जंगल जो है मौजूद हैं। यत्र विविधा, जहाँ पर अनेक प्रकार की औषधयो दवाइयाँ, वनस्पतया तरवश्चा, वनस्पतियाँ और तरुमनी वृक्ष होता है, वृक्ष तिष्ठन्ति मनी मौजूद हैं, जहाँ अनेक प्रकार की दवाइयाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष मौजूद हैं या विद्यमान हैं। इमा औषधया जनान आमेभ्यो रक्षन्ति। इमा औषधया, ये औषधियाँ जनान माने लोगों की, आमेभ्यो रक्षन्ति रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्चा और वृक्ष, आसांदी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। तरवश्चा और वृक्ष, आसांदी माने होता है कुर्सी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम, घरेलू उपकरण या घरेलू सामान के निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते माने प्रयोग किए जाते हैं। और वृक्ष जो है कुर्सी आदि घरेलू उपकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय, हिमालय वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्य, दक्षिण समुद्र से समुत्थिता मनी उठने वाले मेघमाला बादलों के समूह को अवरुद्ध मनी रोक करके वर्षणाय वर्षा करने के लिए ताः प्रवर्तयति, उनको परिवर्तित कर देता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादलों के समूह को रोक करके उनको वर्षा करने के लिए परिवर्तित कर देता है। तो प्यारे छात्रों, आज जो है भाग एक में अनुच्छेद एक से लेकर के अनुच्छेद तीन तक हिंदी अनुवाद कर दिया गया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।